हे गाइस नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं बना रही हूँ तिल और गुड़ के लड्डू। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो पहले कर लेते हैं तिल को रोस्ट। और तिल कितने भूनने हैं मैं आपको बता दूँ कि तिल जब मोटे होने लग जाएं और ज़्यादा उनका कलर चेंज नहीं करना होता है गाइस, थोड़े से हल्के से ब्राउन हो जाएं, फिर आप तिल को रोस्ट करना बंद कर दें और किसी और बर्तन में निकाल लें। तो चलिए फिर तिल रोस्ट कर लेते हैं, फिर आपको और प्रोसेस दिखाते हैं आगे का। तेल भुन गए हैं, अब निकाल लेते हैं किसी दूसरे बर्तन में। गाइस देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मोटे हो गए हैं और ज़्यादा कलर चेंज नहीं है, हल्का सा ब्राउन हुआ है। तो निकाल लेते हैं बर्तन में और फिर अब गुड़ की प्रोसेस करते हैं। तो अब गुड़ पिघला लेते हैं गाइस। गुड़ देखिए मैंने छोटा छोटा कट करके रखा हुआ है और मैंने डाल दिया कढ़ाई में। और सिर्फ मैं 4 चम्मच पानी लगाऊंगी गाइस, मैंने नाप के रखा हुआ है कटोरी में। और इसको पिघलाते हैं और इसमें कुछ इनप्योरिटी होती है वो हम निकालेंगे छलनी से छानकर। मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए कितना सारा निकला है। और इसको अगर आप नहीं निकालेंगे तो लड्डू खाने में आपको बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। गाइस गुड़ हमें कितना पिघलाना है जो लड्डू बनने में परफेक्ट हो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए एक तार बन जाए, एक तार बन रहा है। अब मैं इसे गैस करती हूँ ऑफ और तिल डाल देते हैं गुड़ में और इसको कर लेते हैं मिक्स। और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैं बना लूँगी लड्डू। आप गाइस देखिए गाइस गुड़ और तेल मिक्स हो गए हैं और अब बना लेते हैं लड्डू। और लड्डू आप अपने मनचाहे आकार में बना सकते हैं, छोटे या बड़े आप कर सकते हैं। गाइस एक कटोरी में हम ले लेंगे पानी, एकदम साफ पानी होगा वो, और उसके सहारे से मैं बनाऊंगी लड्डू। गाइस लड्डू बनकर रेडी हैं, देखिए आप लग रहे हैं ना कितने टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस हैं गाइस। तो इस रेसिपी को आप जरूर से ट्राई करना। मकर संक्रांति आ रही है, तिल लाइए, गुड़ लाइए और बनाइए लड्डू और फिर खाइए अपनी फैमिली के साथ। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़ गाइस, और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि रेसिपी आपको कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।